रेखा और आप सभी का मेरे YouTube चैनल रेखा द इंडियन मॉम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं लच्छा पराठा। पराठा और रोटी तो हम डेली खाते हैं, पर कुछ स्पेशल हो जाए तो इसलिए आज हमने आपके लिए लच्छा पराठा तैयार किया है। आइए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। पर मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने यहाँ पे लच्छा पराठा बनाने के लिए सिर्फ गेहूं का आटा यूज में लिया है, मैदा बिल्कुल भी यूज में नहीं लिया है। आइए अपन बनाना स्टार्ट करते हैं। लच्छा पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 कटोरी आटा लगा के रख दिया है। फ्रेंड्स, मैंने आटा बहुत ही सॉफ्ट लगाया है, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, और लगा के मैंने 10-15 मिनट के लिए इसको ढक के रख दिया था। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम रोटी जैसे बनाते हैं उसी तरीके से हम लोई लेंगे, पर थोड़ा सा ज्यादा लेंगे हम आटे को, क्योंकि हमें पतला नहीं बनाना है, लच्छा पराठा इससे थोड़ा मोटा ही बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे इसको गोल कर लिया हमने, इसमें पलोथन लगा लेंगे अच्छे से और इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। एकदम पतला हमें इसको बेल करके तैयार करना है। आप पलोथन लगा लगा करके इसको बेलिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको एकदम अच्छे से पतला और बड़ा बेल लिया है। अब हम इसमें ऑयलिंग करेंगे। आप चाहें तो इसमें घी या बटर भी लगा सकते हैं। मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल लगाया है क्योंकि पराठा है और रिफाइंड ऑयल से बहुत ही अच्छा बनता है। इसकी पर चबी खुलेंगी जब इसे बहुत अच्छे से ऑयलिंग की हुई होगी। वैसे तो हम डेली इतना ऑयली फूड खाते नहीं है, पर कभी कभी तो चलता है, इसलिए देखिए आज हम बहुत अच्छे से इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने इसमें अच्छे से ऑयलिंग कर दी है। अब हम सूखा आटा लेके इस पे इस तरह से भुरक देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत अच्छे से इसमें आटा भुरक दिया है। अब हम इसको फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, हमें इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करना है जैसे कि हम साड़ी में प्लेट्स लगाते हैं या क्राफ्ट का जब हम वर्क करते हैं तो उसमें पेपर में हम जिस तरह से फोल्ड करते हैं उसी तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। बहुत आसानी से और बहुत ही अच्छे से हमें इसको फोल्ड करते जाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे आटे की जो अपन ने रोटी बनाई थी उसमें इस तरह से प्लेट्स देके तैयार कर दिया है। अब हम इसको कॉर्नर से फोल्ड करना शुरू करेंगे। बड़ी ही आसानी से और धीरे धीरे हमें इसको फोल्ड करना है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से हमने इसको फोल्ड कर दिया है। अब हमें इसको बेलन से नहीं बेलना है, हमें इसको अपने हाथों से ही इस तरह से फिंगर से हमें इसको बड़ा कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको फिंगर से बड़ा कर लिया है और तवा हमने गर्म होने रख दिया है। अब हम इसको सेकना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तवे पे भी हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अब हमने जो पराठा बनाया है इसको हम तवे पे डाल देंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और सिकने देंगे। आइए फ्रेंड्स, जब तक हम दूसरा पराठा तैयार कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पराठा एक साइड से सिक गया है। अब हम इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसको सिकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये भी रोटी बेल करके तैयार कर ली है, इस पर भी हम अच्छे से ऑयलिंग कर देंगे। ये देखिए, मैंने बहुत ही अच्छे से ऑयलिंग कर दी है। आप चाहें तो इसमें बटर या घी का भी यूज में ले सकते हैं। तरह से इसमें आटा हमने अच्छे से सारे पे भुरक दिया है। अब इसको हम उसी तरह से जैसे हम क्राफ्ट में या साड़ी में प्लेट्स लगाते हैं उसी तरह से हम इसको फोल्ड करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, बड़ी आसानी से करना है हमें ये। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से सिक गया है ये। अब हम इस पे ऑयल लगाएंगे और इसको सेक लेंगे, साइड चेंज कर देंगे।
बहुत बढ़िया लग रहा है। और सबसे बड़ी खासियत यह है हमने इसमें मैदा बिल्कुल भी यूज में नहीं लिया है, ओनली गेहूं का आटा यूज में लिया है। गेहूं के आटे से ही हमने इसको तैयार किया है। देखिए फ्रेंड्स, लच्छा पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको तवे से नीचे उतार लेंगे और दूसरा जो हमने पराठा बनाया उसको डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा पराठा भी हमने बना के तैयार कर लिया है। आइए सर्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने सर्व कर दिया है। बटर लगा देंगे, आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है। खूब सारा घी डला हुआ हो इस पे, खूब सारा बटर लगा हुआ हो। देखिए फ्रेंड्स, एक एक परत इसकी खुल गई है और बहुत ही यम्मी लग रहा है देखने में भी। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आज की मेरी लच्छा पराठा रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज ट्राई करें, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स मुझे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।